नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महेंद्राज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का पसंदीदा शो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लाइव हो चुका है। आज है 29th of November, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपकी मैम हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। मैंने उनको ये रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था कि जब आप रिटर्न करें बनारस से, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा बनारस सेमिनार बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया गया, और आपकी जो इंग्लिश गुरु मैम है यसी महेंद्राज मैम वहाँ पर उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए पहुँची थी। लेकिन मैंने उनको बोला था कि भाई तेजस एक्सप्रेस ले लीजिएगा ताकि आप समय पर ऑफिस पहुँच सकें। लेकिन मैं जानता हूँ इंडियन रेलवे जिस तरह से लेट लतीफ़ है, और इंडियन रेलवे की ट्रेनें भी लेट लतीफ़ हैं, तो मैम भी यहाँ पर लेट लतीफ़ हैं और इस शो तक या इस शो की टाइमिंग तक वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मैम की ट्रेन लेट है और वो अभी भी ट्रेन में ही है, और उनकी ट्रेन अभी तक इस शहर में नहीं पहुंची जिस शहर में हमारा ऑफिस है। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि ब्राइटनेस जो है बैकग्राउंड की उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। कोट ऑफ द डे जो कि आप सभी के द्वारा ही हमें सेंड किया जाता है, इसमें से जो भी सबसे बेस्ट मोटिवेशनल कोट होता है उसे हम शामिल करेंगे। इसके अलावा एडिटोरियल वोकैब्स आज नहीं हो पाएगा। एमसीक्यू को हमने काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ पर रखे हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस का सेक्शन नहीं होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आर्टिकल डिस्कशन होगा, टोन ऑफ द आर्टिकल मैं बता दूंगा, और मैप प्रैक्टिस भी होगी जो कि श्रीलंका के ऊपर बेस्ड होगी। चलिए आज के मोटिवेशनल कोट की बात कर लेते हैं, और आज का मोटिवेशनल कोट हमें भेजा है सुशांत वर्मा जी ने। सबसे ज्यादा लाइक वैसे इसे मैंने नाइट में ही उठा लिया था, अभी तक तो इसके बहुत सारे लाइक्स हो चुके हैं, 30 से भी ऊपर। सुशांत वर्मा जी हमसे कहते हैं कि ज्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। यानी कि जीवन में उतनी सफलता काफी है कि अगर आप अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा कर पा रहे हैं तो जी हाँ, आप जीवन में सफल हैं। और अगर आपके पास बहुत पैसा है, बेहतरीन जॉब है, लेकिन आप अपने माता पिता को ना तो समय दे पाते हैं और ना ही उनके सपनों को साकार कर पाते हैं, तो आपकी सफलता का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसके अलावा एक और मोटिवेशनल कोट है जो कि इंदिरा बाली शर्मा जी का चुना गया है, क्योंकि ये मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यानी कि अगर हमें चुनौतियों से लड़ना है, चुनौतियों का सामना करना है, तो उनसे लड़ने के लिए और उसका सामना करने के लिए जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर आंखें अपने हाथ रख लेते हैं और अंधेरा कायम कर लेते हैं और फिर बोलते हैं भाई कितना अंधेरा है और मैं कैसे इस चुनौती का सामना करूंगा। काफी बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है। साथ ही साथ एक बार आपको बता दूं और याद दिला दूं, आप अब मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए देखिए, आप सभी की कल रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पीडीएफ को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया करिए, तो पीडीएफ आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड हो रही है। जैसे कि देखिएगा, ये कल का सेशन है और कल यानी कि आपका कल 28th of November था, और कल के सेशन में आप देख सकते हैं कि जहां पर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लिखा होता है जस्ट उसी के नीचे आपकी पीडीएफ लिंक भी अटैच कर दी जाती है। कई बार ये पीडीएफ लिंक नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जब वो सेक्शन और लेंथ में बड़ा होकर ओपन होगा तो आपको ये लिंक यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो ये आप ऑलरेडी यहाँ पर पीडीएफ लगी हुई है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी सर टेलीग्राम चैनल की लिंक काम नहीं कर रही है, तो आपको बहुत सिंपली सा करना यह है कि आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स पर जाकर अंकित महेंद्राज टाइप करेंगे और आपके सामने जो चैनल ओपन होगा और जो ग्रुप ओपन होगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और आसानी से इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक मैं इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद कॉमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यशी मैम के टेलीग्राम चैनल से भी और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे लगा दी गई है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ये लिंक डेफिनेटली वर्क करेगी। कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, हो सके टेक्निकल टीम तो मुझे उस साइड बिठा दीजिएगा क्योंकि उस साइड मैंने अपनी पीपीटी पर जगह छोड़ रखी है ताकि वहां पर दिक्कत नहीं होगी। एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जामिनेशन की बात करूं, फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, myshop.mahendraj.org पर जाकर आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पीओ का क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। myshop.mahendraj.org पर आपको इसके लिए जाना होगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको? वीडियो के नीचे भी पीडीएफ लिंक मिलेगी। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल यूज नहीं करते, और जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं वहां पर भी मेरे द्वारा पीडीएफ उनको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोनों सोर्सेज से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक सारी बातें समझ में आई हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब दोस्तों मेरे साथियों, शुरुआत करते हैं एमसीक्यू बेस्ड प्रीवियस आर्टिकल्स जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे,
और कल के आर्टिकल पर बेस बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर मैंने डिजाइन किए, तो बस जल्दी से तैयार हो जाइए सेशन के लिए और एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने ये रहा, इसरो हैज लॉन्च कार्टोसेट 3 एंड डैश कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कल हम लोगों ने कार्टोसेट 3 के ऊपर एक लंबा आर्टिकल डिस्कस किया था, उसी के ऊपर ये एमसीक्यू है कि इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कार्टोसेट 3 और कितने वाणिज्यिक नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो नंबर याद रखिएगा, टोटल 13, यानी कि कार्टोसेट 3 तो लॉन्च किया ही है, इसके अलावा 13 वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो ये संख्या आपको याद रखनी है कि 13 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी नॉलेज को और यहां पर पॉलिश किया जाए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, उम्मीद है आपका आंसर सही आएगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो के पहले अध्यक्ष थे, प्रोफेसर MGK मेनन या प्रोफेसर सतीश धवन, जिनके नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है श्रीहरिकोटा में, प्रोफेसर UR राव, जिनके नाम पर UR राव सैटेलाइट सेंटर भी है, या इनमें से कोई नहीं। हु वाज दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है भारत के बेंगलोर सिटी में और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, याद रखिएगा। और इससे पहले इनको स्पार नाम की कमेटी थी, जो कि मैंने कल आपको आर्टिकल डिस्कशन के दौरान बताया था कि जो कि इसरो से पहले स्पेस रिसर्च वाले काम आपके देखा करती थी। यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, बिकॉज यहां पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का यहां पर नाम नहीं है और विक्रम साराभाई को ही फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का जनक माना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई जी माने जाते हैं, और विक्रम साराभाई जी ने 1962 में जब इनको स्पार नामक कमेटी बनी थी स्पेस रिसर्च के लिए, और 1969 में इसरो की स्थापना हुई, तब से लेकर 1971 तक वो इसरो के अध्यक्ष रहे थे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय भी इसरो के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर 4 हियर इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। PSLV रॉकेट, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मैंने आपको कल भी बताया था। इसके अलावा इसरो के द्वारा जो दूसरे सेटेलाइट लॉन्च होते हैं, जैसे कि GSLV भी है, ASLV भी है और SLV भी है। पहले हम इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। PSLV रॉकेट की बात करें जिसके माध्यम से कार्टोसेट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो PSLV रॉकेट वाज नेविगेटिंग यूजिंग एन इंडिजीनियस नेविगेशन प्रोसेसर कॉल्ड द डैश विच वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि PSLV रॉकेट के माध्यम से हमने कार्टोसेट 3 नामक जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया था, और इस रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए और दिशा दिखाने के लिए एक नेविगेशन प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, और इस नेविगेशन प्रोसेसर को भारत में पहली बार स्वदेशी तरीके से निर्मित किया गया था, और इसी प्रोसेसर के माध्यम से जो आपका PSLV रॉकेट था यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो नेविगेट कर रहा था, मतलब अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। यह भारत में पहली बार बनाया गया है। तो इस पर्टिकुलर नेविगेशन प्रोसेसर का नाम क्या है, प्रज्ञान 1601। अब देखिए कोडिंग यहां पर सबकी सेम है, तो कोडिंग पर नहीं जाना है, 1601 ये कोड नेम दिया गया होगा तो हमें उस पर नहीं जाना है। हमें नाम बताना है कि प्रज्ञान है उस प्रोसेसर का नाम, सतीश है उस प्रोसेसर का नाम, विक्रम है उस प्रोसेसर का नाम, या कलाम है उस प्रोसेसर का नाम। जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट के आंसर यहां पर आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। विक्रम साराभाई जी के नाम पर विक्रम प्रोसेसर इसका नाम रखा गया है। दिव्या जी ने हमें कॉमेंट बॉक्स में बताया है कि PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी तक चार तरह के ही हम लोगों ने रॉकेट को इस्तेमाल किया है सैटेलाइट्स वगैरह को भेजने के लिए। हम लोगों ने एक खबर डिस्कस की थी आप सभी के साथ, और कल दोपहर 1:30 बजे मैंने एक सेशन भी लिया था, 1:30 पर एक सेशन लिया था, जो कि किस पर बेस था कि दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज किया जा रहा है दमन एंड दीव के साथ। गवर्नमेंट प्लान्स टू मर्ज दी दमन एंड दीव विद दी दादरा एंड नगर हवेली। इस पर कल मैंने दोपहर 1:30 बजे सेशन लिया भी था। उम्मीद है आप सभी जो उससे जुड़े होंगे, सेशन पसंद आया तो एक बार जरूर मुझे लिखकर बता दीजिएगा। आपको यह बताना है कि भारत में जो टोटल वर्तमान में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, वर्तमान में भारत में कुल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको बताना है उन 9 यूनियन टेरिटरीज में से कौन सी यूनियन टेरिटरी ऑप्शन में जो दी गई है वो एक आइलैंड है।
आइलैंड का मतलब द्वीप होता है, द्वीप का मतलब होता है कि जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको बताना है कि इन चार यूनियन टेरिटरीज में से कौन सी यूनियन टेरिटरी एक आइलैंड है, एक आइलैंड है। ओके चलिए चलिए चलिए, यस सर आई वॉज देयर, यस सर आई वॉज देयर, दिव्या दिव्या जी वहां पर थी। तो दिव्या जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप कर पाएंगे क्योंकि कल मैंने ये सेशन में आपको बताया था। वेद प्रकाश शर्मा दीव के साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा, दीव। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दीव जो यूनियन टेरिटरी है वह कहां पर लोकेटेड है। दीव यूनियन टेरिटरी आप देख सकते हैं गुजरात के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर, दीव गुजरात के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर आप यहां पर देख सकते हैं जो सिंबल बना हुआ है, ये दीव यूनियन टेरिटरी है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र नामक इलाके में बिल्कुल साउथ की तरफ पड़ती है। इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम करें, ये तो हो गया भारत के मैप के अनुसार, इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा एक छोटा सा आइलैंड है ये पूरा बटा हुआ है। और ये आइलैंड आप यहां पर देख सकते हैं समुन्दर से ये बिल्कुल अलग है, वो एक अलग बात है कि ब्रिजेस या पुल के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं दीव जो यूनियन टेरिटरी है वो आपकी ये रही, और यहां पर आपका है दीव फोर्ट यानी कि दीव का किला। तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल एक आइलैंड में ही लोकेटेड है, तो दीव एक आइलैंड है, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार भी आइलैंड है और लक्षद्वीप भी आइलैंड है अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। एक और क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन जो लोग कल 1:30 PM पर मेरे साथ उस सेशन में नहीं जुड़े थे वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केवल एक दिन के लिए एक देश भी घोषित किया गया था, विच यूनियन टेरिटरी वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ कंट्री फॉर जस्ट वन डे। केवल एक दिन के लिए एक यूनियन टेरिटरी देश भी अनाउंस की गई थी, और इस यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक IAS ऑफिसर थे जिनका नाम था बदलानी साहब, बदलानी IAS बदलानी साहब। और बदलानी साहब की मैं बात करूं, उन्हें वहां पर IAS अधिकारी भी नियुक्त किया गया था उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का। और एक दिन के लिए जब ये यूनियन टेरिटरी एक दिन के लिए कंट्री अनाउंस हुई थी तो IAS जो थे, IAS ऑफिसर थे बदलानी साहब, वो एक दिन के प्रधानमंत्री भी अपॉइंट हुए थे, एक दिन के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो IAS बदलानी साहब ने इतिहास बदल कर रख दिया, क्योंकि एक दिन का प्रधानमंत्री ऐतिहासिक होता है। तो बदलानी से याद रखिएगा बदलाव, और बदलाव हुआ था ऐतिहासिक बदलाव, एक दिन का प्रधानमंत्री। और एक दिन के बाद उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी भारत सरकार के साथ, और उस ट्रीटी में उन्होंने यूनियन टेरिटरी को भारत के साथ मर्ज करने पर, विलय करने पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद वो डिक्लेयर्ड कंट्री, एक दिन का कंट्री भारत के साथ जुड़ जाता है और एक यूनियन टेरिटरी अपॉइंट किया जाता है। केजी बजलानी, बहुत बढ़िया। नागेंद्र कुमार जी ने मुझे बता दिया है, मुझे केजी शब्द याद नहीं आ रहा था, उनका पूरा नाम था केजी बदलानी। केजी बदलानी वो IAS ऑफिसर थे जो कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र कुमार जी, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा था। IAS बदलानी या पूरा नाम केजी बदलानी, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। IAS बदलानी प्राइम मिनिस्टर बने थे, कहां के किस यूनियन टेरिटरी के बने थे ये आपको बताना है। पूरा नाम है के जी बदलानी, करेक्ट आंसर है दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली के वो एक दिन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 1961 के आसपास की मैं बात करता हूं तो आप सभी को याद होगा 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था, और गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के बाद मैं बात करूं गोवा, दमन एंड दीव की और दादरा एंड नगर हवेली को, तीनों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी उस समय बनाई गई थी और आगे चल के उसको भारत में मर्ज कर दिया गया था। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। दिव्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित सर यू आर दी बेस्ट टीचिंग फॉर थैंक्स फॉर बी विद अस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो जल्दी से लाइक कीजिएगा इस MCQ सेशन को। अगर आपको इस MCQ सेशन से वो काफी कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस सेशन में जितने ज्यादा लाइक होंगे, जो वीडियो आगे आने वाला पर्सन इससे देखेगा उसे काफी अच्छा फील होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को पसंद करने के लिए। जितने भी लोगों ने अभी तक ये दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज करने वाला जो वीडियो है वो कल दोपहर 1:30 PM पर मैंने डिस्कस किया था, करीब करीब आधे घंटे का वीडियो जिसमें सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है। एक बार जरूर देखिएगा, हमारे महेंद्राज के YouTube चैनल पर अपलोडेड है और मैं इसके लिंक भी आपको सेपरेटली सेंड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो कि इसरो के ऊपर बेस्ड है और
और ये कहा है कि इसरोज लॉन्च टैली हिट्स 5 मेन सैटेलाइट्स दिस ईयर। यहां पर इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर के सिवान, और के सिवान साहब ने यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया है और दो अलग अलग वेबसाइट्स की रिपोर्ट भी निकल कर आई है सैटेलाइट्स को लेकर, तो उस पर करते हैं डिटेल में चर्चा। पहली बात यहां पर करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, यहां पर क्या लिखा है इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं वेंसडे को यानी कि बुधवार को, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे नए तथ्य आपको यहां पर पता चलने वाले हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। टर्स्ड अ टैली ऑफ लॉन्चिंग 5 मेन सैटेलाइट सो फार इन 2019। बुधवार को हम लोगों ने कार्टोसेट 3 नामक जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च कर दिया है, और उसी के साथ इस वर्ष 2019 की मैं बात करता हूं तो 5 मेन सैटेलाइट भारत अभी तक लॉन्च कर चुका है। सेंडिंग अप अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो कि अभी हाल ही में कार्टोसेट 3 सैटेलाइट भेजा गया है, वो एक अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है या अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, नाम है कार्टोसेट 3। अब हम बात करते हैं, मुझे जरा स्क्रीन से हटा दीजिएगा टेक्निकल टीम। ग्लोबली एज launches go, China is set to top the chart of the space fearing nations। अगर उन countries की हम लोग बात करते हैं जो country अंतरिक्ष में अपने satellites भेज रहे हैं या अंतरिक्ष में अपना जो इफेक्ट है या अपना प्रभाव है बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम बात करें तो चाइना नंबर टॉप पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट अभी तक अगर हम बात करें लगातार दूसरे साल, सेकेंड ईयर इन अ रो, लगातार दूसरे साल चाइना जो है नंबर 1 पोजीशन पर है। नोट्स अ रीसेंट रिपोर्ट इन द टेक्नोलॉजी साइट आर्स टेक्निका, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी साइट के अनुसार चाइना नंबर 1 पर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी तक इस पर्टिकुलर ईयर में और पिछले ईयर में चाइना के द्वारा ही सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स यहां पर लॉन्च किए गए हैं। सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, 700 के आसपास फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाइक हैं मात्र 230। अगर सेशन पसंद नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा कहां दिक्कतें हैं, कहां कमियां हैं, लेकिन पसंद आए तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखिए, नॉलेज देने में या आपको बताने में या कोई भी चीज पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। इंडिया रैंक्स 5th, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 5वीं अलोंग विद द न्यू बॉय नौसिखिया, जो अभी एक नया कंट्री है जो कि स्पेस सेक्टर में आया है, नाम है न्यूजीलैंड, इन्होंने भी अपना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने की पूरी कोशिश की है, तो ये बिल्कुल अभी नौसिखिया है क्योंकि पहला ही सैटेलाइट, अभी अगर हम लोग बात करें जितने इंडिया ने इस साल अभी लॉन्च किए हैं उतने ही सैटेलाइट्स पर न्यूजीलैंड ने भी काम किया है। दे ईच हैव 6% ऑफ द ऑर्बिटल लॉन्च पाय अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट स्पेस स्काई रॉकेट, तो स्पेस स्काई रॉकेट नामक वेबसाइट के अनुसार न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों को संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि 6% के आसपास इनके ऑर्बिटल लॉन्च रहे हैं अगर हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं। इट सेड द स्पेस मेजर्स टोटली मेड 87 ऑर्बिटल लॉन्चेस एज ऑन द नवंबर 27। अगर हम लोग बात करते हैं नवंबर 27 तक की, तो अभी तक हमारे देश की अगर हम बात करें तो 87 के आसपास टोटल ऑर्बिट लॉन्चेस यहां पर हो चुके हैं। साथ ही साथ चाइना लॉन्च 28 सैटेलाइट और 32% ऑफ देम, यहां पर इंडिया की बात नहीं कही गई है, माफी चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं नवंबर 2019 के 27 तारीख तक की, यानी कि 27 नवंबर 2019 तक अभी पूरे विश्व से करीब 87 के आसपास ऑर्बिटल लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से 28 सैटेलाइट अकेले चाइना के हैं, यानी कि जितने भी सैटेलाइट अभी तक लॉन्च हुए हैं उसका 32% अकेले चाइना ने लॉन्च किया है। व्हेन द ईयर एंड्स चाइना शेयर लाइकली टू बी स्टिल अबव द रशिया 20% एंड द यूएस 18%, तो जो शेयर है उसका वो इन दोनों कंट्रीज से भी ऊपर चला जाएगा, रशिया और यूएस से, तो चाइना फिर से इस बार टॉप पोजीशन पर आ जाएगा, जो बात यहां पर बताई गई है। बाय द एंड ऑफ द ईयर 2019 इंडियाज लॉन्चेस मे क्लाइंब 2 मेंबर्स दैट इज इफ द रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2BR1, ये एक सैटेलाइट है जिसे लॉन्च होना है, और 2BR2 अगर इन दोनों सैटेलाइट को भारत लॉन्च कर देता है कीप देयर दिसंबर ड्यू डेट्स, तो भारत थोड़ा सा 2 पोजीशन ऊपर भी आ जाएगा। बाय द यार्ड स्टिक, जो यार्ड स्टिक का मतलब होता है कुछ मापदंडों के तहत, इसरो इन 2018 मेड 7 लॉन्चेस, 2018 में 7 लॉन्चेस किए थे किसने, इसरो ने, आउट ऑफ 16 मिशंस 16 मिशंस में से 7 मिशंस को लॉन्च किया गया, एंड डिड देम मोर फ्रिक्वेंटली देन दिस ईयर, और जितना तेजी से और जितना जल्दी जल्दी उन्होंने 2018 में अपने मिशंस को लॉन्च किया है उतना 2019 में देखने को नहीं मिला। सून आफ्टर वेनसडेज लॉन्च इसरो चेयरमैन के सिवान अनाउंस, इसरो के चेयरमैन ने बुधवार को यह बताया कार्टोसेट 3 सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद वी हैव 13 मोर मिशंस टू गो ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ, अगले 4 महीनों के अंदर हम 13
और मिशंस को लॉन्च करेंगे जिस पर अभी इसरो काम कर रहा है। दे इंक्लूड 6 लॉन्चेस एंड 7 सैटेलाइट। इसमें 6 अलग अलग लॉन्चेस होंगे और 7 सैटेलाइट भी शामिल होंगे जिन्हें अगले 4 महीनों में इसरो लॉन्च करने वाला है। द ईयर हैज सीन 11 मिशंस जिसमें से 5 लॉन्चेस थे और 6 सैटेलाइट्स का लॉन्चेस था, जिसमें से GSAT-31 सैटेलाइट भी था जो कि फॉरेन लॉन्चर से, यानी कि इंडिया के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, विदेशी सरजमी से या किसी विदेशी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यू आर इवेल्युएटिंग इसरो एज अ प्रोडक्शन हाउस। के सिवान की यह बात काफी सोचने वाली है और सवाल उठाने वाली है। दुनिया हमारी तरफ देखती है एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर कि हमने कुल कितने लॉन्चेस किए, हमने कुल कितने मिशन लॉन्च किए, हमने कुल कितने सैटेलाइट बनाए, तो हमें प्रोडक्शन हाउस की तरह देखना ठीक नहीं है। आई डोंट एग्री ऑन दैट कि लोग हमें प्रोडक्शन हाउस की तरह देखें। एंड इसरो स्पोक्समैन सेड, हमें प्रोडक्शन हाउस की तरह नहीं देखना चाहिए कि हमने कुल कितने मिशन लॉन्च किए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अगर हमने 2 मिशन भी लॉन्च किए हैं तो उन मिशंस की इफेक्टिवनेस कितनी है और वो मिशन कितने इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि लिखा भी हुआ है, इन द ईयर दैट यू आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मिशंस लाइक अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 60% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज आर अट्रैक्टेड देयर। बात यह है कि जब आप ऐसे बड़े बड़े मिशंस में काम करते हैं, आप सभी को पता है कि 2022 में जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो हमारे देश से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा, तो उस मिशन पर भी लगभग 60% जो आपके रिसोर्सेस हैं या आपके जो स्टाफ मेंबर हैं या इसरो के जो कर्मचारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप एक बड़े मिशन के लिए जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे मिशंस को आपको साइड में रखना होता है, और जब आप नंबर्स ऑफ द मिशंस की बात करते हैं कि कुल कितने मिशन लॉन्च हुए, कौन कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए, तो वो आपको कम नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिस ईयर्स चंद्रयान 2 अलोन इक्वल्ड द एफर्ट्स ऑफ 5 or 6 मिशन। इस साल हम लोगों ने चंद्रयान 2 मिशन को भेजा था चांद पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह 2 किलोमीटर ऊपर ही क्या हुआ, उससे हमारा कनेक्शन टूट गया और उसकी हार्ड लैंडिंग होती है चांद पर, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। तो इसरो के चेयरमैन का कहना है कि इस साल जब हम लोगों ने चंद्रयान 2 मिशन पर काम करना शुरू किया तो चंद्रयान 2 मिशन ही अकेले 5-6 मिशंस के अकेले बराबर था, बड़ा मिशन था। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं जो बात मैं आप सभी को यहां पर बता रहा हूं, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो चंद्रयान 2 मिशन अकेले ही 5-6 मिशंस के बराबर था, ठीक है, गिवन इट्स कॉम्प्लेक्स एलिमेंट सच एज एन ऑर्बिटर, क्योंकि इस मिशन के तहत एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर भी था और एक रोवर भी था एंड अ लॉन्च व्हीकल भी था। लॉन्च व्हीकल मतलब कि रॉकेट, और रॉकेट आपका कौन सा था, GSLV रॉकेट था। इसके अलावा रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान रोवर, लैंडर का नाम था लैंडर विक्रम और एक ऑर्बिटर था। इसके टोटल 4 कंपोनेंट थे और इनको बनाने में ही हमें 5-6 मिशंस के बराबर मेहनत करनी पड़ गई, एफर्ट लगाना पड़ गया, इसी वजह से हमारे जो दूसरे मिशंस हैं वो यहां पर दिक्कत में आ गए। पॉइंट यहां पर मेरी बात समझ में आई, जरा मुझे फेस टू फेस ले आएगा टेक्निकल टीम। तो यहां तक ये बात की गई है के सिवान जी के द्वारा कि इस साल हम लोगों ने 2 बड़े बड़े मिशन पे काम किया है, चंद्रयान 2 मिशन है, इसके अलावा 2022 में हमें एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी भेजनी है, इंसान को हमें अंतरिक्ष में भेजना है, तो ये 2 मिशन ही 10-10 मिशन के बराबर है। तो केवल ये देखना कि हम कितने मिशन लॉन्च कर रहे हैं, कितने सैटेलाइट भेज रहे हैं, केवल नंबर्स पर नहीं जाना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर हम 2 से 3 मिशन भेज रहे हैं तो उन मिशंस की ग्रेविटी क्या है, उन मिशंस की इफेक्टिवनेस क्या है या उन मिशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि हम कर रहे हैं। तो उनका जो मोस्टली स्टाफ है या उनकी जो टीम है वो इस पर काम कर रही थी। और चंद्रयान 2 मिशन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, चंद्रयान 2 मिशन के 4 कॉम्पोनेंट थे। पहला कॉम्पोनेंट था रॉकेट जिसका नाम है GSLV Mark III, जो कि अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि बाहुबली के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि सबसे भारी सैटेलाइट ले जाने की क्षमता केवल GSLV रॉकेट में है। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 मिशन की, तो इसके अलग अलग 3 कंपोनेंट थे। एक था आपका ऑर्बिटर, ऑर्बिटर का काम यह था कि जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसकी इमेजेस खींचकर भेजेगा, और उन इमेजेस के बारे में हाल ही में मैंने आपको बताया भी था और आपने सोशल मीडिया वगैरह पर देखा भी होगा। इसके बाद एक था आपका लैंडर विक्रम जिसके 4 पैर थे, जो कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता, मतलब धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरता, और इसके लैंड करने के बाद लैंडर विक्रम, यह भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, और इस लैंडर विक्रम से एक छोटा सा 6 पहियों वाली गाड़ी निकलती जिसका नाम था रोवर प्रज्ञान। इसका वेट 27 किलोग्राम होता और यह जो गाड़ी है 6 पहियों वाली, यह सोलर पैनल इसमें लगे होते, सौर ऊर्जा से संचालित होता और यह छोटी मोटी रिसर्च करके जो डस्ट पार्टिकल्स उनको कलेक्ट करता, उनकी इमेजेस क्लोजली खींच के उनकी एनालिसिस करके हमें भेजता, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं हो पाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये मिशन था चंद्रयान 2 मिशन, ये फेल हो गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रयान 2 मिशन जो कि बस 2 किलोमीटर ऊपर ही क्या हो गया, उससे हमारा संपर्क टूट गया और उसकी हार्ड लैंडिंग होती है सरफेस पर, चांद की सरफेस पर। चांद के बारे में आपको बता दूं कि चांद के 2 अलग अलग फेस होते हैं, एक होता है नियर साइड फेस और एक होता है फार साइड फेस, जिसे कहते हैं नियर साइड मून और फार साइड मून। जो फेस या जो चेहरा हम चांद का देखते हैं पृथ्वी से यानी कि अर्थ से, वो होता है चांद का नियर साइड मून का जो एरिया होता है या नियर साइड फेस होता है, उसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। लेकिन चांद का जो फार साइड फेस होता है वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि वह चांद के दूसरी तरफ होता है। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्योग्राफी के, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब अगर मैं पोल्स की बात करता हूं तो ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। साउथ पोल में अभी तक किसी भी कंट्री ने अपना रोवर नहीं उतारा था, अपना कोई भी वहां पर कोई भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी वहां पर कंडक्ट नहीं की थी, और इसरो ऐसा पहला स्पेस एजेंसी बन गई है जिन्होंने अपना जो रोवर है वहां पर उतार दिया है। पॉइंट को समझिएगा, उतार तो दिया है रोवर, लेकिन वो काम नहीं कर पाया, उसने उससे हमारा जो संपर्क था वो टूट गया था। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर उतारने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। उसने सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से यानी कि धीरे 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 लैंडर विक्रम वहां पर धीरे धीरे उतरा। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया और फिर इस बात को कंफर्म किया गया कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि हार्ड लैंडिंग हुई है, क्योंकि जब धीरे धीरे उतरेगा तभी वो सुरक्षित रह पाएगा और सतह पर उतरने के बाद वो अपनी रिसर्च शुरू करेगा। लेकिन उसकी हार्ड लैंडिंग होने का मतलब है वो काफी तेजी से और काफी स्पीड से चांद की सतह से टकराया और उसकी इमेजेस भी नासा के सैटेलाइट को मिली थी। तो हमारा जो लैंडर विक्रम था वो बहुत तेज गति से सरफेस से टकराया, जिसमें उसके कुछ नुकसान होने की भी खबरें हैं। लेकिन भारत ने अपना वहां पर जो ये मिशन है वो उतार दिया है, वो एक अलग बात है कि उसने काम नहीं किया या उससे हमारा संपर्क टूट गया। इस पर काफी प्रश्न मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 मिशन को भी भेजा गया था। चंद्रयान 2 मिशन इसी साल भेजा गया, लेकिन इससे पहले चंद्रयान 1 मिशन को भी भेजा गया था। तो मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि भारत के पहले चांद संबंधी जांच मिशन चंद्रयान 1 को अक्टूबर किस पर्टिकुलर ईयर में इसरो के द्वारा शुरू किया गया था और अगस्त महीने के किस पर्टिकुलर ईयर तक इसे संचालित किया गया, यानी कि कुल मिलाकर चंद्रयान 1 मिशन को किस ईयर में लॉन्च किया गया और उसने किस ईयर तक काम किया? 2007 से 2008, 2008 से 2010, 2006 से 2008 या 2008 से 2009? तो याद रखिएगा 2008 में इसे लॉन्च किया गया था और महीना था अक्टूबर का, और इसने अगस्त 2009 तक काम किया, लगभग एक साल तक चंद्रयान 1 मिशन आपका चला है। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन हमारा थोड़ा सा किस्मत, हम ये सीख सकते हैं, वैज्ञानिक कोशिश करते हैं लेकिन कई बार हमारी कोशिशें उतनी सफल भी नहीं हो पाती। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा आप सभी से इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी इसरो के वैज्ञानिकों के लिए क्लैपिंग जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में। अब इसरो फिर से तैयार हो चला है अपने अगले मिशन के लिए। इंसान गलतियों से ही सीखता है और वैज्ञानिक भी रिसर्च करके और टेस्ट करके सीखता है। तो जो गलतियां हमने चंद्रयान 2 मिशन में की हैं, उम्मीद है हमारे वैज्ञानिकों ने उससे बहुत सारा सीख लिया होगा और आगे के मिशन में वो इसरो के लिए बहुत काम आएगा। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में या मूर्तिकला के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यह आर्टिकल भारत के लिए गर्व की बात भी है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी कुछ मूर्तियां हैं जिन्हें गलत तरीके से उनकी स्मगलिंग की गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस ये मूर्तियां थीं। इसे किसी ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को बेच दिया था, अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन्हें रिटर्न करेगी और ये टोटल 3 ऐसी मूर्तियां हैं, 3 आइडल्स हैं इन इंडिया इन जनवरी। क्या है पूरा मामला समझते हैं। जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर आएंगे तो यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। अभी मुझे स्क्रीन पर ही रहने दीजिएगा, पहले इस मुद्दे को समझ लेते हैं। यहां पर भी बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए जानने योग्य हैं। 3 यानी कि टोटल 3 है इनकी संख्या। कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृतियां, कलाकृति नंबर 1, कलाकृति नंबर 2 और कलाकृति नंबर 3। ये टोटल 3 ऐसी कलाकृतियां हैं जो कि कई दशकों पुरानी ये कलाकृतियां हैं। इन कलाकृतियों में एक पेयर है, एक जोड़ा है। जोड़ा किसका है? द्वारपालों का। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो द्वारपाल का मतलब होता था जो बड़े बड़े महलों के बाहर खड़े होते थे, वो भाला वाला लेके अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लेते थे और सुरक्षा करते थे। तो द्वारपाल, डोर गार्जियन जो कि दरवाजे पर पहरा देते थे, तो ये 2 आपके द्वारपाल हैं। ये दोनों द्वारपालों की फोटो है, सॉरी कलाकृति है,
उनका एक पेयर है, ये है। ये कहां से हैं या कहां से बिलोंग करते हैं द्वारपाल? ये दोनों मूर्तियां आपकी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और एक मूर्ति थी नागराज की, नागराज अ सर्पेंट किंग, नाग मतलब कि सांप, किंग मतलब राजा, तो नागों का राजा। और नागों का राजा इमेज कौन सी है? ये वाली, ये नागों के राजा की इमेज है, और ये द्वारपालों की इमेज नहीं, कलाकृति है, ठीक है। ये या तो राजस्थान की थी, नागराज की जो मूर्ति थी या तो राजस्थान की थी या फिर मध्य प्रदेश की थी। इसे परचेस किया गया था एक स्मगलर के द्वारा, एक आइडल स्मगलर जो कि इन तरह की चीजों की खरीद बिक्री करते हैं शौकिया तौर पर। इसे, उनका नाम था सुभाष कपूर, और सुभाष कपूर नाम के स्मगलर ने इसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बेचा था। विल वी रिटर्न टू इंडिया बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन्स विजिट टू इंडिया इन जनवरी। मुझे स्क्रीन से हटा दीजिएगा। तो इसे खरीदा तो गया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, किससे खरीदा गया? सुभाष कपूर नाम के एक स्मगलर के द्वारा खरीदा गया था, जो इस तरह की कलाकृतियों की खरीद बिक्री करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको खरीदी थी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि ये मूर्तियां भारत से जुड़ी हैं, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि जब स्कॉट मॉरिसन्स की विजिट होगी इंडिया में, कब होगी? स्कॉट मॉरिसन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया विजिट पर कब आएंगे? जनवरी 2020 में आएंगे, तब इन मूर्तियों को, कलाकृतियों को भारत को लौटा दिया जाएगा। द आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृति Which were held by the National Gallery of Australia were purchased in a good faith. वहां की जो National Gallery of Australia है, उन्होंने अच्छी फेथ का मतलब एक अच्छी भावना से अपने म्यूजियम में रखने के लिए अच्छी भावना से इसे परचेज तो किया था, लेकिन जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये मूर्तियां काफ़ी साल पहले भारत से चुराई गई थीं और ये भारत की धरोहर है और संपत्ति है, तो इन्हें भारत को वापस कर देना चाहिए। आप यहाँ पर नागराज की कलाकृति को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये नागराज की कलाकृति या तो कभी राजस्थान से चुराई गई थी या फिर कभी मध्य प्रदेश से चुराई गई थी। अब हम बात करते हैं द्वारपालों की। तो जैसा कि मैंने बताया कि द्वारपालों की जो कलाकृति है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। आर सेड टू बी फॉर्म इन 15th सेंचुरी, और 15वीं शताब्दी की ये कलाकृति थी। नागराज की हम लोग बात करें तो नागराज की जो ये कलाकृति आप यहां पर देख रहे हैं, ये कलाकृति 6वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के आसपास की है, या तो राजस्थान की है या मध्य प्रदेश की है। बोथ इंडिया, अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, अब आपके काम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर द पार्टी टू द यूनेस्को 1970 कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोबिएटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। आप समझ गए होंगे, प्रोबिएटिंग का मतलब होता है रोकना या रोकथाम करना, प्रिवेंट का मतलब भी प्रतिबंध लगाना, रोकना ही होता है। इलिसिट इंपोर्ट, आयात निर्यात या उसका आवागमन, ट्रांसपोर्ट, ओनरशिप ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी, तो ये भी कलाकृतियां कल्चरल प्रॉपर्टी हैं। और भारत यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को की बॉडी है, उसके तहत 1970 में कन्वेंशन हुआ था, और उस कन्वेंशन में इंडिया ने भी सिग्नेचर किए थे और ऑस्ट्रेलिया ने भी सिग्नेचर किए थे, जिसके तहत अगर किसी भी कंट्री के पास इस तरह की कोई कल्चरल प्रॉपर्टी है, कलाकृतियां हैं, तो वह उसे दूसरे कंट्री जिसकी ये है, जरा फिस्ट फिस्ट ले का टेक्निकल टीम, उन्हें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के क्या हैं, मेंबर हैं। और ये कन्वेंशन किसकी है, यूनेस्को की है या वर्ल्ड बैंक की है या अंकटाड की है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की है, इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। तो ये यूनेस्को की है, याद रखिएगा। इसी कन्वेंशन के तहत ऑस्ट्रेलिया जनवरी 2020 में इसे भारत को लौटा रहा है। यहां तक सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। चलिए एक बार देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पुस्तक प्रेमी जी क्या कह रहे हैं, टेक्निकल टीम पुस्तक प्रेमी जी की बात सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या माजरा चल रहा है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अलग ही चीजें चल रही हैं। यहां पर एक बार लिखकर बताओ यस कि हां सर सारी बातें समझ में आ गई हैं। नटराज मूर्ति और नागराज मूर्ति राजस्थान की है। हां, नटराज की मूर्ति वो नटराज की नहीं है, द्वारपाल की मूर्ति है, द्वारपाल जो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन की। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है वाइडनिंग गैप, यानी कि जो गैप है, दरार है, वो बढ़ती चली जा रही है। और यहां पर बात की गई है एक रिपोर्ट की, और रिपोर्ट का नाम है यूएन्स एमिशंस गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट निकल कर आई है, और ये रिपोर्ट निकाली गई है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2019। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है इस पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है, तो इस पर करेंगे डिटेल में चर्चा अपने आर्टिकल डिस्कशन के दौरान, तो बने रहिएगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल
आर्टिकल को, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो श्रीलंका के ऊपर है, नॉट एज यू से बट एज यू डू। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो इंडिया और श्रीलंका के ऊपर बेस्ड है। ये आर्टिकल इस सेक्शन में क्यों आया है, क्योंकि कल ही हमारे देश पर पहली विदेश यात्रा पर आए हैं श्रीलंका के जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं गोटाबे साहब। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्षे गुरुवार को, गोटाबे राजपक्षे गुरुवार को 3 दिवसीय, ये इंपॉर्टेंट बनता है कुल कितने दिनों की यात्रा पर आए हैं, 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए हैं, जो पदभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। तो पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए हैं। इस दौरान राजपक्षे का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया गया। राजपक्षे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करने के लिए और दिल्ली स्थित हैदराबाद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे, 3 दिनों तक भारत में रहेंगे। इसी वजह से ये आर्टिकल भी यहां पर रखा गया है, इंडिया विल नाउ फाइंड इट डिफिकल्ट टू टफ टॉक लीडर्स इन द नेबरहुड ऑल विद स्ट्रॉन्ग मैंडेट्स ऑफ देयर ओन। ये बात की गई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी तक जो भी द्विपक्षीय वार्ता चलती थी, जो भी डिस्कशन था या जैसी भी दोनों कंट्रीज के रिश्ते थे उनके ऊपर, लेकिन अभी इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। 3 दिन कंप्लीट हो जाने दीजिए, 3 दिवसीय यात्रा कंप्लीट हो जाने चाहिए, इसका जब कंक्लूजन निकल कर आएगा उस पर जो आर्टिकल आएगा उस पर बातचीत की जाएगी, तब हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल कि 3 दिनों में क्या क्या समझौते हुए हैं, किन किन चीजों पर बात हुई है और क्या क्या चीजों पर चर्चा हुई है। लेकिन मैप प्रैक्टिस के तौर पर हम ये देखेंगे कि श्रीलंका की जो लोकेशन है वह दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। ये रहा अटलांटिक ओशियन, ये रहा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, साउथ सदर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। यानी कि श्रीलंका की जो लोकेशन बनती है वो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के आसपास बनती है। और हिंद महासागर की या हिंद महासागर का जो नाम पड़ा है आप सभी को पता होगा, वो भारत के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि भारत की यहाँ पर जो लोकेशन है अपने आप में यूनिक है, इसलिए भारत के नाम पर ही इस पर्टिकुलर महासागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर या इंडियन ओशन। मुझे स्क्रीन से हटा दीजिएगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो क्या श्रीलंका एक लैंडलॉक कंट्री है, तो आंसर होगा नहीं। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। कैसा कंट्री है? श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, क्योंकि जैसा कि हम मैप में यहां पर देख रहे हैं चारों तरफ से जो श्रीलंका है वो घिरा हुआ है समुद्र से, गल्फ ऑफ मन्नार से ये अलग होता है। यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है जो दोनों कंट्रीज को अलग करती है, तो गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कौन सी जल संधि है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, कौन सी जल संधि है और कौन सी जल संधि इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, टाइप करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लैटिट्यूड की अगर हम लोग बात करते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तो श्रीलंका की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से और बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और श्रीलंका की लोकेशन यहां है तो कर्क रेखा श्रीलंका से नहीं गुजरती। इक्वेटर की बात करें, अब देखिए मैप प्रैक्टिस इसीलिए होती है, कई बार आईएएस पीसीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इक्वेटर श्रीलंका के ऊपर से गुजरती है, यानी कि भूमध्य रेखा श्रीलंका के ऊपर से गुजरती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है और 0 डिग्री लैटिट्यूड पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा होता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और बीचों बीच से जो गुजरती है वो है पाक स्ट्रेट, पाम स्ट्रेट नहीं, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट और आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये दोनों अलग करती हैं श्रीलंका और इंडिया को। इक्वेटर श्रीलंका के ऊपर से गुजरती है या नीचे से गुजरती है, तो पॉइंट याद रखिएगा, श्रीलंका आपका यहां है और इक्वेटर आपकी ये गुजर रही है, तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा श्रीलंका के साउथ से गुजरती है ना कि नॉर्थ से, यह पॉइंट याद रखना है। मकर रेखा की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, तो आप यहां पर देख सकते हैं मकर रेखा की जो डिग्री है वो है 23 राइट 1/2 डिग्री, लेकिन साउथ में, तो मकर रेखा, और अगर हम लोग बात करते हैं 23 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ में, तो ये हो जाती है कर्क रेखा। तो ये थोड़ी सी मैप प्रैक्टिस याद रखिएगा कि कोई सी भी कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा श्रीलंका से तो नहीं गुजरती भैया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की, तो केवल इंडिया ही एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि बिल्कुल नियर अबाउट यहां पर जुड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कैपिटल की, तो यहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जिसे हम ऑफिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका भी बोलते हैं, ऑफिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका एसएससी सीजीएल, थोड़ा सा पुराना एग्जाम था, एसएससी सीजीएल 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर व्हाट इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर कोलंबो आंसर करके आए थे, जो कि गलत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल कैपिटल जो है श्रीलंका की वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोटी,
ठीक है, तो आप इसको वहां के एक जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं महला जयवर्धने उनके नाम पर याद रख सकते हैं, एमजे, एमजे माइकल जैक्सन नहीं, एमजे मतलब महला जयवर्धने, यानी कि श्री जयवर्धने पुरम कोटी इज द ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका। मुझे फेस टू फेस ले आइएगा टेक्निकल टीम। यहाँ की करेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ की जो करेंसी है वो रुपया है और भारत की करेंसी भी रुपया है। मैंने आपको कई बार एक ट्रिक भी बताई है अपने सेशंस के दौरान कि दुनिया में केवल 8 ही ऐसे कंट्री हैं, 8 ही ऐसे मुल्क हैं जिनकी करेंसी रुपया है और भारत और श्रीलंका उनमें से एक हैं। याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि भारत से मैरी पाकिस्तान गई श्री मालपाल को इंडिया लाने, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, भारत से मैरी पाकिस्तान गई, जाने दो हमारा क्या जाता है, भारत से मैरी पाकिस्तान गई श्री मालपाल को इंडिया लाने। अगर आप ये लाइनें याद रखते हैं तो आठों के आठों ऐसे कंट्री जिनकी करेंसी रुपया है वो आपको याद हो जाएगी। भारत से मैरी पाकिस्तान गई, तो भारत से हम लोग याद रखेंगे भारत, भारत से, तो से याद रखना है सेशेल्स नामक देश, भारत से मैरी, मैरी से मॉरिशस, भारत से मैरी पाकिस्तान, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है, भारत से मैरी पाकिस्तान गई श्री, श्री से श्रीलंका, माल से मालदीव, पाल से नेपाल, पाल से नेपाल, माल पाल को इंडिया लाने और इंडिया से याद रखेंगे इंडोनेशिया। तो कुल 8 कंट्री इसमें शामिल हो जाते हैं जिनकी करेंसी क्या है, रुपया है। भारत से मैरी पाकिस्तान गई श्री माल पाल को इंडिया लाने, सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएंगे ट्रिक, भारत से मैरी पाकिस्तान गई श्री माल पाल को इंडिया लाने, ये लाइनें याद हो गई, 8ों मुल्क याद हो जाएंगे जिनकी करेंसी रुपया है और इन 8 कंट्रीज के अलावा किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वह रुपया नहीं है। ठोको लाइक जल्दी से इस सेशन के लिए और इस ट्रिक के लिए जो मैंने आप सभी को यहां पर बताई है, अगर हेल्पफुल हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, यहां तक सारी बातें हमने क्लियर की हैं, अब हम लोग दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान के जो वर्तमान हालात हैं उनके ऊपर भी है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी इस आर्टिकल में तंज कसा गया है। वहां के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि नाइट में यानी कि रात में, रात में जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो रात में जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं रात में पेड़ और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और आप समझ गए होंगे कि वो ट्रोल क्यों हो गए ट्विटर पर इस बयान को लेकर। उसके बाद एक और बयान उनका आया है कि जापान, समझिएगा मेरी बात, जापान और जर्मनी के बीच में जो उन्होंने एक, अभी मुझे पूरी बात याद नहीं आ रही, जापान और जर्मनी के बीच में किसी संधि और किसी वॉल की बात की थी, जापान कहाँ है और जर्मनी कहाँ है, दोनों के बीच में कोई वॉल कैसे हो सकती है, दोनों के बीच में कोई जुड़ाव ही नहीं है, तो उसको लेकर भी उन पर काफ़ी ट्रोल किया गया उनको। और वहाँ के जो वर्तमान हालात हैं, वहाँ के अगर मैं बात करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका एक्सटेंशन वहां 6 महीने के लिए ग्रांट कर दिया गया है वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस आर्टिकल में पाकिस्तान के वर्तमान हालातों पर चर्चा की गई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यह आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर बात करता है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब रिलीज हुई थी तो हमने उस पर डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया था। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, तो वो आप लोग मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे यहां पर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एक बात की गई इस आर्टिकल में कि किसी को अगर आजीवन कारावास दिया गया था तो उसके आजीवन कारावास को आप खत्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि रिसेंटली द तमिलनाडु गवर्नमेंट रिलीज्ड 13 प्रिजनर्स, यानी कि 13 कैदियों को उन्होंने छोड़ दिया सर्विंग लाइफ सेंटेंस, जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया था फॉर द मैसेकर ऑफ 6 दलित मैन इन द विलेज ऑफ द मेलावाला वू इन 1997। तो यहां पर यह कहा गया है कि 1997 में वहां पर 6 दलित लोगों की मौत के लिए 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अच्छे आचरण की वजह से, गुड कंडक्ट की वजह से, जो कि अभी तक वो जेल में थे और उन्होंने अच्छा आचरण वहां पर दिखाया, गुड कंडक्ट दिखाया, तो उन्हें रिलीज कर दिया गया है। तो क्या यह सही है या ये गलत है, तो इसके ऊपर इस आर्टिकल पे चर्चा की गई है, आपकी क्या राय है वो भी आप यहां पर रख सकते हैं अगर आपको इस मुद्दे के बारे में जानकारी है। कार्टून सेक्शन की बात करें तो फिर से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर कार्टून सेक्शन यहां पर बना दिया गया है, चीफ मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट हो चुके हैं, और अगर मैं बात करता हूं ठाकरे फैमिली की तो ठाकरे फैमिली से पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं उद्धव ठाकरे। कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले ली है, वह कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने
रहे हैं टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनका जो गठबंधन हुआ है वह एनसीपी और कांग्रेस से हुआ है, एनसीपी शरद पवार और सोनिया गांधी जी को भी यहां पर दिखाया गया है। अब यह गठबंधन कुल कितने दिन चलता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आर्टिकल ऑफ द डे की अगर हम लोग बात करें तो वाइडनिंग गैप, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आया हुआ है और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी इस पर काफी सारे मुद्दे उठाए गए हैं। और रिसेंटली दिसंबर में मीटिंग भी होने वाली है यूनाइटेड नेशंस की, अगर मैं बात करता हूं इसी मुद्दे को लेकर, तो उससे पहले इस रिपोर्ट का आना काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे स्क्रीन से हटा दीजिएगा जरा टेक्निकल टीम। तो हम लोग एमिशंस गैप रिपोर्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं एमिशन शब्द की, तो एमिशन शब्द का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या होता है भैया? उत्सर्जन इसका मतलब होता है। और उत्सर्जन का मतलब यहां पर यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन, जैसा कि आप यहां पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि चिमनियों से, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यूएन की एमिशन रिपोर्ट हाल ही में निकल कर आई है और एमिशन पर गैप की बात यहां पर की गई है। कम्स एज एन अ शार्प वार्निंग टू कंट्रीज प्रिपेयरिंग टू मीट इन मैड्रिड इन दिसंबर, क्योंकि दिसंबर मैड्रिड में अंडर द एजेस ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज आपकी होने वाली है इसी साल दिसंबर में मैड्रिड। मैड्रिड किस कंट्री में ये सिटी पड़ती है टाइप करके आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैड्रिड किस पर्टिकुलर कंट्री में ये पर्टिकुलर सिटी है जहां पर दिसंबर में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होने वाली है। और उससे जस्ट कुछ ही दिनों पहले ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है ये एक वार्निंग है उन सभी कंट्रीज के लिए जो इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज दैट एवरी ईयर ऑफ द इनएक्शन इज जियोपोडाइजिंग द मेन गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू कीप इन द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ओवर प्री इंडस्ट्रियल टाइम वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड आइडली एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बात करता हूं अगर पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत तो यही एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है यानी कि वैश्विक जो तापमान है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखना है और अगर हो सकता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। स्पेन मैड्रिड बिल्कुल करेक्ट है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, बिल्कुल करेक्ट है। अब स्पेन की करेंसी भी टाइप करके आप लोग बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। मैं तो भाई लगा रहूंगा अपने एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोग लगे रहिएगा अपने आंसर्स के साथ, साथ साथ समझते भी रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि UNEP, अब इसका फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ ले तो एक नंबर देके जाएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, रिलीज्ड एमिशंस गैप रिपोर्ट। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एमिशंस गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। अकॉर्डिंग टू विच इंडिया, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट, चौथा सबसे बड़ा एमिटर है, मतलब उत्सर्जन करता है, मतलब कि उत्सर्जन करता है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का, ऐसी गैसेस जो कि ओजोन लेयर के लिए खतरनाक हैं या ओजोन लेयर को नष्ट कर रही हैं या क्लाइमेट चेंज करती हैं या टेम्परेचर बढ़ाती हैं पूरी दुनिया का, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो भारत कौन सी पोजिशन पर है? भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कंट्री है जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है अकॉर्डिंग टू द एमिशंस गैप रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। आगे बात करते हैं टॉप फोर, इंडिया चौथी पोजीशन पर है, ओके सर नंबर वन पोजीशन पर कौन है? तो नंबर वन पोजीशन पर है चाइना, नंबर सेकंड पोजीशन पर है यूएसए यानी कि अमेरिका, नंबर थर्ड पोजीशन पर है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और चौथी पोजीशन पर इंडिया है। तो इन चारों की पोजीशन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी का वेट मत कीजिए, स्क्रीनशॉट अभी लीजिए और आज ही नोट बनाइए, आज ही रिवीजन कर डालिए, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओवर 55% ऑफ द टोटल एमिशंस ओवर द लास्ट डिकेड। अगर मैं बात करता हूं इन चार कंट्रीज की, तो पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में इन चार कंट्री ने जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है उसका 55% उत्सर्जन इन चार कंट्रीज ने अकेले कर डाला है। सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं जिन सेक्टर्स की वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती हैं, तो सबसे पहले आता है आपका एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा, इसके बाद आती हैं आपकी इंडस्ट्रीज, इसके बाद आपके जो जंगल हैं फॉरेस्ट्री, जंगल में आग लग जाना या दूसरी कुछ घटनाएं या पराली जलाना, इस तरह की चीजें, ट्रांसपोर्ट, पराली जलाना तो आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से जैसे कि पराली आपकी जलाई गई और बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह की चीजों में। तो आप देख सकते हैं नंबर वन पोजीशन पर एनर्जी, नंबर सेकंड पर इंडस्ट्री और नंबर थर्ड पोजीशन पर फॉरेस्ट्री है। ये वो क्रम है जिन इंडस्ट्रीज के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ। इंडिया इज अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट आर ऑन देयर वे टू अचीव देयर सेल्फ डिक्लेयर्ड क्लाइमेट टारगेट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने जो भी अपने वादे किए थे
उत्सर्जन संबंधी और उन पर कंट्रोल, तो भारत उन छोटे कंट्रीज के ग्रुप में शामिल है जहां पर भारत ने जो वादा किया था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का, भारत उसको अचीव भी करने वाला है, यानी कि हमने अपने वादे यहां पर निभाए हैं। वो एक अलग बात है कि यूएसए जैसे कंट्री पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। एमिशंस गैप रिप्रेजेंट, अगर हम एमिशंस गैप की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्शंस, जो वर्तमान में निर्णय और जो कदम उठाए जा रहे हैं टू रिड्यूस यानी कि कमी करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस GHGs, एंड व्हाट इज नीडेड टू मीट द टारगेट, यानी कि वर्तमान में हम जो कदम उठा रहे हैं वो कदम केवल इतने उठा रहे हैं जबकि कदम उठाने की जरूरत है इतने, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यहां पर दर्शाता है एमिशंस गैप रिपोर्ट के द्वारा। The quantitative terms UN report estimates that there would be have to be a 2.7% average annual cut in emissions from the 2020 to 2030 for temperature rise to be contained. Contain मतलब रोकना at 2 degree Celsius, while more ambitious 1.5 degree Celsius target would require the required a 7.6% reduction. अगर हम 2020 से लेकर 2030 के बीच में पूरी दुनिया का जो तापमान है टेम्परेचर है अगर हम उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते तो जो हमें हर साल एमिशन को कट करना होगा आगे आने वाले 10 सालों में वो लगभग 2.7% के एवरेज से कट करना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगले 10 सालों में दुनिया का जो वैश्विक तापमान है वह 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े तो हमें जो रिडक्शन करना होगा एमिशन में और जो कदम उठाने होंगे वो 7.6% तक का हमें यहां पर कट करना होगा एमिशंस में। बट कंट्रीज विद लार्ज एमिशंस जैसे कि हम जानते हैं यूएस है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है, विल फेस मोर चैलेंजिंग डिमांड्स इफ करेक्टिव मेजर्स टू डिक्लेरोबनाइज आर नॉट इंप्लीमेंटेड नाउ। ये चार कंट्री यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, ये आगे चल के और ऐसे बड़े चैलेंजेस को फेस करेंगे अगर उन्होंने अभी कोई कदम नहीं उठाया या अभी कोई कदम उठाकर इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो हमारे जैसे कंट्री यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। क्लाइमेट वार्निंग्स इश्यूड ओवर द ईयर्स हैव फेल्ड टू इंप्रेस मोस्ट पॉलिटिशियन। पूरी दुनिया में कई बार क्लाइमेट की वार्निंग्स दी जा चुकी हैं लेकिन दुनिया के जो राजनेता हैं, दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन पर कुछ खास असर इसका नहीं पड़ा। बट EU इज कंसिडरिंग एन एमरजेंसी डिक्लेरेशन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अर्लियर दिस ईयर। लेकिन ये दो कंट्री उन्होंने कुछ यहाँ पर कदम उठाए हैं, EU ने, यूरोपियन यूनियन ने वहाँ पर एमरजेंसी को डिक्लेयर किया है जबकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने वहाँ पर एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव भी पारित किया था इसी वर्ष की शुरुआत में इसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। इन द US अमेरिका की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ विदड्रॉइंग फॉर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर जो वादे किए गए थे कि भैया हम इतनी कटौती करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, हम इतनी कटौती करेंगे, अमेरिका ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम एग्रीमेंट से बाहर जाएंगे और अपने दिए हुए वादे हम यहां पर वापस ले रहे हैं। देयर इज अ कंसिडरेबल सब नेशन सपोर्ट फॉर द क्लाइमेट एक्शन। अमेरिका के विड्रॉ कर लेने के बावजूद भी दुनिया के दूसरे कंट्री अभी भी अपने उसी वादे पर खड़े हुए हैं। द EU यूरोपियन यूनियन वेयर पब्लिक प्रेशर इज एक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज इज हाई। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ता चला क्लाइमेट चेंज को लेकर, इज वर्किंग ऑन लेजिस्लेशन टू ब्रिंग अबाउट नेट जीरो एमिशन। और अब वह उस लेजिस्लेशन को बनाने पर पहुंच चुका है जहां पर जीरो एमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस का। चाइना और इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड विल हैव रिकंसाइल ग्रोइंग एमिशंस विद द डेवलपमेंट नीड्स। भारत और चाइना जैसे देशों को यह चाहिए है कि उन्हें जो एमिशन है उस पर कंट्रोल तो करना ही है लेकिन कुछ इस तरह से समाधान के साथ उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि भारत की जो विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं, डेवलपमेंट नीड्स हैं, वो भी पूरी हो और एमिशन भी कम से कम हो। जरा फेस टू फेस ले आएगा टेक्निकल टीम एक बार। तो इस पूरे आर्टिकल की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, और ऑफर भी ले आएगा, ऑफर ऑफ द डे भी ले आइएगा टेक्निकल टीम, इस पूरे आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो इस पूरे आर्टिकल में जो चर्चा की गई है वो ये की गई है कि मैड्रिड में दिसंबर में क्लाइमेट एक्शन चेंज वाली जो समिट है वो आपकी आयोजित होने वाली है और उसको लेकर हाल ही में जो एमिशन गैप रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल आंखें खोलने वाली है उन कंट्रीज की जो कि मैड्रिड में दिसंबर में मिलने वाले हैं, स्पेन में जो बैठक होने वाली है। तो इसमें आपने देख लिया कि भारत की चौथी पोजीशन में, अगर हम मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन की, इस पूरे आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि दुनिया भर की सरकारें और कंट्रीज इस पर सही तरीके से कदम नहीं उठा रही हैं, तो टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ये क्रिटिसाइजिंग हो जाएगी। ऑफर ऑफ द डे भी ले आइएगा टेक्निकल टीम एक बार। मैं ऑफर के बारे में 99 ऑफर के बारे में भी बता दूं, उम्मीद है
आर्टिकल आपको क्लियर रहा होगा, एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक के लिए कंजूसी मत कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना बनता है गुरु दक्षिणा के तौर पर। अगली जो क्लास है वो हमारे रीजनिंग मेंटोर की है, यानी कि हरप्रीत महेंद्रा सर आप सभी के साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं। हैप्पी सर के नाम से भी आप उन्हें जानते हैं, बिल्कुल हसमुख स्वभाव के, हसमुख से प्रश्न लेकर हंसते हंसते आप उन्हें क्लियर कर जाएंगे एग्जाम में भी और आज इस सेशन में भी। तो जुड़ना मत भूलिएगा 9 बजे के इस पर्टिकुलर शो में। लाइक कीजिए शो को, दोस्तों को बताइए, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से जुड़ना है, वीडियो की शुरुआत में लिंक लगा दी जाएगी कमेंट बॉक्स के नीचे। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बार फिर से आप सभी के साथ इस पर्टिकुलर शो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।